बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नई वीडियो में आप सबको वेलकम। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ये तो हो गई फॉर्मेलिटीज़, असल टॉपिक पे आते हैं जो कि आज का है। आज की जो प्रोडक्ट है रिव्यू प्रोडक्ट के लिए जो मेरे पास है वो है डॉक्टर बिल्कीज़ का ये स्किन शाइनर। मैं आपको अभी सब बताऊंगी स्किन शाइनर क्या होता है, स्किन पॉलिश क्या होती है इस प्रोडक्ट के बारे में। सो थोड़ी सी डिटेल में वीडियो होगी, तो अगर आपको डायरेक्ट इसका रिव्यू देखना है तो इस टाइम पे आप जंप कर लें जाके, तो आपको इसका रिव्यू मिल जाएगा। अगर थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी मेरे साथ थोड़ा सा बेयर करें इसकी शाइनर के बारे में जानने के लिए। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने इससे पहले डॉक्टर बिल्कीज़ की कुछ चीज़ों का प्रोडक्ट्स के रिव्यू डाले थे जो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे रिव्यूज आए उसके ऊपर। सो मैंने सोचा मैं उनकी और प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ, तो मैंने काफ़ी सारी उनकी चीज़ें मंगवाई हैं जिसमें से एक ये स्किन शाइनर है। तो इसके बारे में पहले अगर हम बात करें, आपको नहीं पता अगर डॉक्टर बिल्कीज़ के बारे में तो आप क्या कर रहे हैं फिर, क्योंकि डॉक्टर बिल्कीज़ पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर हर्बलिस्ट हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। मैंने ख़ुद भी उनसे काफ़ी ट्रीटमेंट कराया है, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं पहले यूज़ करती थी और अब मैंने फिर से यूज़ करना स्टार्ट किए हैं। सो स्किन शाइनर बेसिकली क्या होता है, स्किन पॉलिश होती है। जैसे जब हम पार्लर में जाते हैं तो आप जब पूरा प्रॉपर फेशियल लेते हैं तो वो आपको स्क्रबिंग और मास्क वगैरह के बाद एक शाइनर पॉलिश लगाते हैं, अगर आप उन्हें बोलें तो। सो वो स्किन पॉलिश जब आपकी करते हैं तो आपकी स्किन भी क्या होता है, जो फेशियल की वजह से ड्राइनेस हो जाती है, जो फेशियल की वजह से आपका एक इरिटेशन होती है, वो उस शाइनर की वजह से जितना भी आपका ग्लो है, जितना मॉइस्चर है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं और उसकी ही वजह से जो आपकी स्किन पे जो है वो उस वक्त थोड़ा सा ग्लो नज़र आता है। सो ये स्किन पॉलिश पॉलर्स में भी होती है। स्किन शाइनर मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्हीं के पास ये प्रोडक्ट देखी, इसके अलावा मैंने शायद इतना नोट नहीं किया कि स्किन शाइनर्स वैसे अवेलेबल हैं या नहीं। तो जब मैंने ये उनकी वेबसाइट पे देखा तो मैंने सोचा कि मुझे इसको ऑर्डर ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये लेना है तो ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बार में सारी डिटेल्स हैं कि आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोग बार बार कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बार चेक कर लिया करें, वहाँ पे डिटेल्स होती हैं, वेबसाइट भी मेंशन होगी इनकी और फेसबुक पेज भी मेंशन होगा, तो आप वहाँ जाके ऑर्डर कर सकते हैं उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो भी हैं। सो पहले आप देख लें कि इसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिला है और इसका बेसिकली ये है क्या। सो ये इनका ब्लैकबेरी ग्लोइंग स्किन शाइनर है विद विटामिन ई। इसमें काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो मेन इंग्रेडिएंट जो ब्लैकबेरी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट किया था तो ये है इसमें। इसके अलावा इसमें विटामिन ई है, विटामिन सी है, रोज़ वाटर है और काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें जो पीछे डिटेल्स लिखी हैं उसमें मेन जो इन्होंने लिखा है वो ये है कि ये आपकी स्किन को जो है वो स्मूथ बनाएगा, सॉफ्ट बनाएगा और ग्लोइंग बनाएगा और शाइनिंग एक लुक आएगी आपकी। इसमें ये लिखा है कि ब्लीच के बाद जो एक आपकी होता है ना, बहुत सारे लोग ब्लीच कराते हैं, एक तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती ब्लीच, प्लीज़ मत कराया करें, लेकिन जो लोग कराते हैं उनको ब्लीच के बाद बहुत ज़्यादा किसी को जलन वगैरह होती है, तो ये उसको भी कंट्रोल करेगा, ड्राइनेस को रिड्यूस करेगा। इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन का तरीका लिखा है और हर स्किन के लिए सूटेबल है ये भी लिखा है, लेकिन ये अब बेसिकली अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इस पर ये ऑयल स्किन टाइप्स के लिए लिखा है, लेकिन जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है मैं उनको रिकमेंड नहीं इतना करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल इसमें चिपचिप है, बहुत हल्का सा, उन लोगों के लिए जिनकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है। नॉर्मल अगर आपकी ऑयली स्किन है जैसे गर्मियों में सबकी हो जाती है थोड़ी बहुत, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले तो यूज़ कर ही सकते हैं और नॉर्मल कॉम्बिनेशन हर स्किन टाइप्स को यूज़ कर सकते हैं। एक्नी जिनकी स्किन है वो भी इसको थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, जैसे हफ्ते में एक बार, फिर 3 या 4 दिन में एक बार, तो उस तरह करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी एक्नी को तो ख़त्म नहीं करेगा, लेकिन ये आपको एक्नी को बढ़ाएगा भी नहीं और नुकसान भी नहीं देगा। सो मैंने इसको आई थिंक कोई 2 हफ्ते हो गए हैं मुझे इसको यूज़ करते हुए। यूज़ करने का तरीका इसको क्या है कि मैं इसको जिस तरह यूज़ करती हूँ, इसको रात के टाइम पे यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, जब फेस वॉश हम रात में करते हैं तो उस वक्त मैं मॉइस्चराइज़र की जगह ये लगा लेती हूँ, लेकिन रोज़ इसको यूज़ नहीं करना। मैंने उनसे ख़ुद पूछा था कि इसको क्या रोज़ यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि रोज़ यूज़ कर सकते हैं बट ऑल्टरनेट डेज़ पे भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसको ऑल्टरनेट डेज़ पे यूज़ करती हूँ, जैसे कि आज यूज़ किया है तो कल नहीं करूँगी, कभी कभी 2-2 दिन भी यूज़ नहीं करती। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के।
बेसिकली आपने क्या करना है, या तो आप इसको ऐसे ही पंप सिस्टम में, एक तो ये बहुत अच्छी बात है, तो कोई मैसीनेस नहीं होगा और बड़े अच्छे से लॉक हुआ हुआ है यहाँ से, सो कोई गिरने वगैरह का चांस नहीं है। सो ये इसका पंप सिस्टम है, अच्छी खासी इसमें प्रोडक्ट है। अगर मैं इसका आपको ml बताऊं तो 175 ml इसमें प्रोडक्ट है और ये 350 का है, जो कि मेरे ख्याल से एक बिल्कुल रीजनेबल प्राइस है। अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की, जो कि मुझे मिले हैं। रिजल्ट से पहले अगर हम थोड़ा सा इसके टेक्सचर की बात करें, तो ये अंदर से बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है इस तरह से, और टेक्सचर इसका थोड़ा सा ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर है, लेकिन हल्की सी इसमें आई थिंक ग्लिसरीन की वजह से थोड़ी सी चिपचिप है, बहुत हल्की सी है लेकिन है। सो ये इसमें है, आप चाहें तो इसको हाथ से अप्लाई कर सकते हैं, वरना तो फिर आप इसको कॉटन में लेके भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा, वो भी सही रहेगा। रात में आप इसको अप्लाई करें और सुबह वॉश कर लें, या फिर अगर आपने नहाने के बाद अप्लाई किया है तो फिर आप इसको 2-3 घंटे के बाद वॉश कर लें। चिपचिप थोड़ा सा फील होता है फेस के ऊपर, अगर आपकी बहुत ऑयली स्किन है तो होगा आपको। सो अगर हम बिल्कुल इंस्टेंट रिजल्ट की बात करें, जैसे कि अगर आप बगैर लाइट के भी देखें, सो हल्की सी ग्लोइंगनेस तो आती है। सो हल्की सी जो ग्लोइनेस है वो तो लगाने के बाद आपको आएगी ही, लेकिन अगर आप इसको डेली बेसिस पे यूज़ करें, यानी कि रेगुलरली यूज़ करें, अल्टरनेट डेज पे यूज़ करें 1-1.5 महीने तक, तो स्किन जो है वो काफ़ी, मैं जो आपको बताऊँ मेरे साथ हुआ, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हुई है, नो डाउट शाइन आई है, थोड़ी बहुत थोड़ी सी ग्लोइंग हो गई है, थोड़ी सी टाइट हो गई है, और स्किन टेक्सचर अच्छा हुआ है। इसका स्किन का टेक्सचर अच्छा होगा तो ऑब्वियसली वो ग्लो भी करेगी और उसमें जो है वो एक अच्छा सा लुक भी आएगा। मेरे ख्याल से आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट आपकी स्किन के लिए, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल रहती है। बहुत सारे लोग मुझे शिकायत करते हैं कि उनकी स्किन बहुत डल है, कुछ रूखी फीकी सी है, तो वो इसको ज़रूर यूज़ करें, आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक जो प्रॉब्लम है जो मुझे इसमें है, इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट, मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पे शाइन भी आती है, ग्लो भी आता है, स्किन टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, लेकिन द ओनली थिंग विच आई डिडंट लाइक इज कि इसमें जो है वो पैराबीन है। तो पैराबीन, अगर आपको नहीं पता तो पैराबीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कुछ कहते हैं स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पैराबीन फ्री प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट्स में अवेलेबल हैं, सो ज़्यादातर लोग वही लेते हैं, हालांकि नेचुरलाइज डॉक्टर बिल्कीस आपको पता है नेचुरल प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी, बट मुझे नहीं पता कि इस प्रोडक्ट में पैराबीन क्यों है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि अगर हम पैराबीन ऐड नहीं करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो सर्वाइव नहीं कर सकती ज़्यादा टाइम तक, अगर उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड ना हो तो। सो ये एक मुझे एक थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें पैराबीन क्यों है, सो मुझे इस वजह से थोड़ा सा वो है, लेकिन इसके अलावा कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि मुझे अच्छा ना लगा हो। इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट, आपको पूरा रिव्यू मैंने दे दिया है A to Z, आपकी मर्ज़ी आपने लेना है या नहीं लेना। लेकिन होता है ना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता, सो कुछ ब्रांड्स होते हैं ना जो आपके दिल के बड़े करीब होते हैं और आप उनकी चीज़ें बड़े आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। सो नेचुरलाइज डॉक्टर बिल्कीस का ब्रांड मेरे लिए ऐसे ही है, मैं इनकी हर चीज़ यूज़ तकरीबन यूज़ कर चुकी हूँ, और आगे मैंने बहुत सारी नई चीज़ें भी मंगाई हैं जो कि आप आगे वीडियोज़ वगैरह में देखेंगे। सो दिस इज़ ऑल A to Z इसका रिव्यू, जो कि मैंने आपको बताया आपको लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बार में आपको सब मिल जाएगा। प्राइस इसकी 350 रुपीज़ है और पूरा रिव्यू आपके सामने है। वीडियो एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।